नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर जा रहे एक युवक को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्बो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर चौराहे का है, जहां अशोक सोलंकी नामक युवक अपने घर से ड्यूटी पर जा रहा था। उसी दौरान अशोक को किसी अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अशोक का इलाज जारी था। वहीं अशोक की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बो अस्पताल पहुँचाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये हमको मालूम नहीं है, पर वहाँ पे किसी का फ़ोन आया था अज्ञात का, तो उनने बताया कि आपका मतलब एक्सीडेंट हो गया है, तो आप लोग आ जाइए। तो वहाँ पे भाटिया में थे, मतलब भाटिया लेकर गए वहाँ के लोग, और फिर वहाँ पे भाटिया से मना कर दिया, तो फिर यहाँ पे MY लेकर आए हम। क्या नाम था? अशोक सोलंकी। ये राजवाड़ा पे काम करते थे, कपड़ा कटिंग करते थे। ये 20 तारीख की रात की MY में ही भर्ती है। कब मौत हुई? आज सुबह। कितनी उम्र है? 48। लेने वाले कहाँ के? बाबू मुरई। आप क्या लगते? मेरे पापा हैं। आपका नाम? करण सोलंकी। ये कालानी नगर चौराहे के पास की घटना है। एक व्यक्ति मृतक साइकिल से ड्यूटी पे जा रहा था, उसी टाइम अज्ञात बाइक वाले ने टक्कर मारी, तो उसको 108 एम्बुलेंस MY ले आई थी। जब से भर्ती था 20-20-7 को उसका एक्सीडेंट हुआ था और आज उसकी मृत्यु हो गई। अशोक पिता भागीरथ सोलंकी बाबू, ये इतना मुझे मालूम नहीं, जहाँ में पता चल रहा होता था। मैं साहुनी भगवान सिंह, थाना एरोड्रम, जिला इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Yeah.